Good morning, dear student of 9th class. Earlier we have complete our topic solid. Now we will start from liquid. The liquid state. To understand about liquid state, let us perform an activity. लिक्विड अवस्था के बारे में जानने के लिए समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं। एक्टिविटी क्या है देखो बच्चों, कलेक्ट द फॉलोइंग, इन चीज़ों को हमें कलेक्ट करना है, जैसे वाटर है, पानी, कुकिंग ऑयल, खाना बनाने वाला तेल, मिल्क, दूध, जूस और कोल्ड ड्रिंक, इन सब को हम इकट्ठा करेंगे। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है, इनको अलग अलग शेप के कंटेनरों के अंदर जो है हम रखेंगे। पुट ए 50 ml मार्क्स ऑफ दीज कंटेनर्स, और उनको 50 ml मार्क्स तक हम भरेंगे, ठीक है, यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर की सहायता से 50 ml हम भरेंगे, ठीक है, फ्रॉम द लेबोरेटरी से हम ये मेजरिंग सिलेंडर वगैरह लेकर के 50 ml तक भरेंगे। देखो ये यहाँ पे जैसे बताइए, देखो यहाँ पे ये फ्लास्क शेप कंटेनर था, ठीक है, इसके अंदर 50 ml हमने भरा लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है। ये बीकर शेप है, इसमें अंदर 50 ml भरा। ये टेस्ट ट्यूब शेप है, इसके अंदर भी 50 ml हमने सॉल्यूशन भर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है देखो, व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड्स आर स्पिल्ड ऑन द फ्लोर, क्या होगा जब हम इन लिक्विड को अगर हम देखिए फ्लोर पर, अगर फर्श पर गिराएंगे, ठीक है, तो होगा क्या, ये सब के सब क्या है, लिक्विड है, ये बहने लगेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इट इनटू डिफरेंट कंटेनर वन बाय वन। देखो 50 ml हम क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे डिफरेंट शेप वाले कंटेनर में। जैसे मान लीजिए 50 ml फ्लास्क शेप में था, इसको ट्रांसफर कर दिया बीकर वाले शेप के अंदर, ठीक है, वन बाय वन एक एक करके। डज द वॉल्यूम रिमेन्स द सेम, तो क्या इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे मान लीजिए ये 50 ml है फ्लास्क शेप में, अगर इसको किसी खाली बीकर के अंदर अगर हम देखें, इस 50 ml अगर हम देखें लिक्विड को अगर हम डालेंगे, ठीक है, तो इस बीकर के अंदर भी 50 ml ही तो आएगा। वो ऐसा तो नहीं है कि 50 की जगह वो 80 हो जाएगा या 50 की जगह 40 रह जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों, क्योंकि जितना वॉल्यूम है वॉल्यूम तो फिक्स रहेगा उसका, ठीक है। अगर देखिए वॉल्यूम रिमेन द सेम, तो वॉल्यूम क्या होता है, सेम रहेगा बिल्कुल, ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम, अगर शेप देखो लिक्विड की सेम नहीं रहेगी, क्योंकि लिक्विड की शेप चेंज होती रहेगी। यहाँ पर अगर फ्लास्क शेप में होगी, यहाँ पे बीकर शेप में होगी लिक्विड की शेप, यहाँ टेस्ट ट्यूब की शेप में होगी, तो अगर हम देखें शेप चेंज हो सकती है, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। व्हेन यू पोर द लिक्विड, जब आप लिक्विड को डालेंगे फ्रॉम वन कंटेनर इनटू अनदर, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, डज इट फ्लो इजिली, तो क्या इजिली फ्लो होंगे, बिल्कुल इजिली फ्लो होंगे, क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है कि ये इजिली क्या होते हैं, फ्लो होते हैं, ठीक है। तो ये एक एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के थ्रू हम जो है इजीली समझ सकते हैं कि जो है लिक्विड के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। आप देखो ऑब्जर्वेशन क्या निकला इसका, हमने जो पूरा एक्टिविटी की इसका ऑब्जर्वेशन क्या निकला, वाटर और लिक्विड इज पोर्ड इजीली फ्रॉम मेजरिंग सिलेंडर इनटू ईच कंटेनर, कि वाटर है या कोई भी लिक्विड चीज़ है उसको एक मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू अगर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो बहुत इजीली जो होते हैं वो चले जाते हैं, ठीक है। द लिक्विड और वाटर विथ सेम वॉल्यूम हैज टेकन द शेप ऑफ दैट पोर्शन ऑफ द कंटेनर विच इज ऑक्यूपाइज, चाहे वो वाटर हो चाहे कोई भी लिक्विड हो, ठीक है, वो हमेशा उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसके अंदर उसे डाला जाता है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ लिक्विड अपीयर्स डिफरेंट इन डिफरेंट कंटेनर्स, अगर हम देखिए उसकी लिक्विड की जो सर्फेस है वो अलग अलग दिखाई देगी अलग अलग कंटेनर में, जैसे बीकर में बीकर शेप में दिखाई देगी, ठीक है, बीकर में बीकर शेप में दिखाई देगी, फ्लास्क में फ्लास्क शेप में दिखाई देगी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब की शेप में दिखाई देगी उसकी सर्फेस, ठीक है। ऑल द लिक्विड्स, जितने भी लिक्विड्स हैं, चाहे वो वाटर हो, कुकिंग ऑयल हो, मिल्क हो, जूस हो, कोल्ड ड्रिंक हो, विल फ्लो When spilled, वो ये फ्लो होते हैं जब इनको गिराया जाता है, तो फ्लोर के ऊपर गिराया जाता है, तो ये सब क्या करते हैं, बहने की प्रवृत्ति दर्शाते हैं, बहने के गुण को, इस गुण को दर्शाते हैं। दीज लिक्विड्स फ्लो इजिली, ये सारे लिक्विड जो है इजिली फ्लो होते हैं, वैन दे आर पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर, ठीक है, जब इनको एक कंटेनर से एक अगर हम देखिए बर्तन से दूसरे बर्तन में डाला जाता है तो ये इजिली जो होते हैं चले जाते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, ठीक है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, अब कंक्लूजन क्या है इस एक्टिविटी का, ए लिक्विड कैन फ्लो, कि लिक्विड जो होते हैं वो फ्लो कर सकते हैं, बह सकते हैं, दस इट इज़ नॉट रिग्ड, ये कठोर नहीं होते हैं, बट इट इज़ ए फ्लूड, ये क्या होते हैं, तरल होते हैं। इट एक्वायर्स द शेप ऑफ दैट कंटेनर, ये उसी कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, इन विच इज पोर्ड द हैंड्स, जिनमें इनको डाला जाता है। द शेप ऑफ लिक्विड इज नॉट फिक्स, लिक्विड की शेप कभी भी फिक्स नहीं होती, ठीक है, ये क्या कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है, जिस कंटेनर में डाला जाएगा उसी की शेप ले लेते हैं। द लिक्विड हैज, अगर हम बात करें द लिक्विड हैज़ फिक्स्ड वॉल्यूम, लेकिन लिक्विड की जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है, बट नॉट फिक्स्ड शेप, लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। अगर देखो उसका वॉल्यूम फिक्स
फिक्स है। अगर 50 ml को आप किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो 50 ml ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उसकी शेप क्या होगी बर्तनों की, अगर बदलती जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो मतलब शेप चेंज हो सकती है लिक्विड की, लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, ये इसका कंक्लूजन निकला, ठीक है। लिक्विड शो द फॉलोइंग जनरल प्रॉपर्टीज। अब देखो लिक्विड की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लिक्विड्स हैव नो फिक्स्ड, ठीक है, और डेफिनेट शेप। लिक्विड की कोई भी फिक्स डेफिनेट शेप नहीं होती। लिक्विड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। लिक्विड जो होते हैं वो कंटेनर की शेप ले लेते हैं। दे आर पोर्ड इनटू, जिनमें इनको डाला जाता है, बिकॉज इन लिक्विड्स, क्योंकि लिक्विड जो हैं द कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स कैन मूव, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स लगातार मूवमेंट करते रहते हैं ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, उनके बीच में जो दूरी होती है वो भी ज़्यादा नहीं होती। स्लिप एंड स्लाइड पार्ट ईच अदर एंड री एडजस्ट देयर पोजिशन। ये लगातार अपने जो है पार्ट्स को अगर हम देखें चेंज करते रहते हैं, अपनी पोजिशन क्या क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। इन लिक्विड द इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेस इज मोर देन सॉलिड। अगर हम देखें इस लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, सॉलिड की तुलना में। दूर दूर होते हैं इनके कण, क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो इनमें इंट्रा जो है, अगर हम बात करें मॉलिकुलर फोर्स जो होता है, ठीक है, वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा वीक होता है, ठीक है। और गैसेस में तो और भी ज़्यादा, ये जो अगर हम देखें पार्टिकल्स होते हैं ये और भी ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। लिक्विड में अगर हम देखें सॉलिड से दूर होते हैं, सबसे अगर हम देखें क्लोजली पैक्ड होते हैं किसमें, सॉलिड के अंदर, और थोड़े दूर दूर होते हैं किसमें, लिक्विड में, और दूर दूर किसमें होते हैं, गैसेस में, ठीक है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे कि ए लिक्विड हैज़ ए डेफिनेट वॉल्यूम। लिक्विड की एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जो हमने पहले भी पढ़ा कि अगर 50 ml के एग्जाम्पल से चाहे किसी भी पोर्ट के अंदर किसी भी कंटेनर में डाल दो, उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा। इन लिक्विड्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स टुगेदर। इसमें क्या होता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो सॉलिड से थोड़ा कम होता है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड, लिक्विड हैव लोवेस्ट डेंसिटी देन सॉलिड। लिक्विड की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, वो सॉलिड से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। इन लिक्विड्स पार्टिकल्स आर पैक्ड लूजली। लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, जो अगर हम देखें काफ़ी मतलब क्लोजली पैक्ड नहीं होते, काफ़ी दूर दूर होते हैं थोड़े, ठीक है, कंपेरिजन टू सॉलिड। अगर हम बात करें सो लिक्विड आर लेस डेंस, तो अगर हम देखें लिक्विड जो है कम घने होते हैं। देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, ठीक है, कुछ इसमें एक्सेप्शन केसेस भी हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज दैट ऑफ वाटर। देखो लिक्विड का सबसे अगर कॉमन एग्जांपल है तो वाटर है। सॉलिड वाटर अगर हम बात करें, सॉलिड वाटर जिसको हम आइस कहते हैं, फ्लोट ऑन वाटर, ये भी वाटर के ऊपर फ्लो कर सकता है। दिस इज बिकॉज आइस इज लाइटर देन वाटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो बर्फ होती है वो वाटर से क्या होती है, हल्की होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स आर वीकर देन दोज इन सॉलिड्स। इट इज़ ड्यू टू दिस दैट इंट्रामोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर देन दैट इन सॉलिड। अगर हम बात करें इंट्रामोलिकुलर स्पेस, ये जो अगर हम बात करें जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो स्पेस है ये ज़्यादा है। अगर हम बात करें यही सॉलिड के बीच में, अगर सॉलिड अगर हम देखें तो सॉलिड के बीच में जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस था वो ना के बराबर था, ठीक है। इसमें जो है इंट्रामोलिकुलर स्पेस होता ही नहीं सॉलिड के अंदर, बहुत ही कम होता है ना के बराबर। ये जैसे सॉलिड का एग्जाम्पल है, ये सॉलिड का डायग्राम मैंने बनाया, इसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ना के बराबर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम वही कंडीशन अगर हम देखें लिक्विड में, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि लिक्विड के अंदर जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू दैट दिस दैट इंटरमोलिकुलर स्पेस इन लिक्विड इज ग्रेटर दैन then it's solid. In the following compounds, the intermolecular force follow the order. अब देखो एक order के according अगर हम चलें, जैसे carbon dioxide जो कि gas condition में होती हैं, उसमें अगर हम देखें intermolecular force काफ़ी कम होता है, ठीक है। एल्कोहल, ठीक है, जो कि अगर लिक्विड है, वाटर जो कि लिक्विड है, इनके अंदर अगर हम देखें जो है सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है। और अगर हम देखें शुगर है, सोडियम क्लोराइड है, जो कि सॉलिड कंडीशन के अंदर है, इसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है, वो सॉलिड में जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, और गैसेस में जो होता है लोवेस्ट या वीकेस्ट होता है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, लिक्विड आर स्लाइटली मोर कंप्रेसिबल देन सॉलिड ड्यू टू ग्रेटर इंटरमोलिकुलर स्पेस, ठीक है। क्योंकि देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस जो होता है, ठीक है, वो ज़्यादा होता है, ठीक है, इसमें लिक्विड में। तो लिक्विड आर मूव कंप्रेसिबल देन सॉलिड। तो जो लिक्विड जो है, अगर हम देखें कंपेरिजन अगर हम करें सॉलिड की कंपेरिजन में, तो लिक्विड ज़्यादा मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है, सॉलिड के कंपेरिजन में, ठीक है, ज़्यादा कंप्रेसिबल हो सकते हैं।
नेक्स्ट टाइम लिक्विड डिफ्यूज मोर इजीली देन सॉलिड. लिक्विड इजीली डिफ्यूज हो सकते हैं ठीक है सॉलिड की तुलना में अगर देखें तो. देखो द पार्टिकल्स इज लिक्विड मूव फास्टर एंड मोर फ्रीली. अगर हम देखें लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं तेजी से मूवमेंट कर सकते हैं फ्रीली देन दोज इन सॉलिड. सॉलिड की अगर कंपेरिजन में देखें तो सो द पार्टिकल्स इन लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें लिक्विड के अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू सॉलिड ठीक है देन दोज इन सॉलिड ठीक है. सॉलिड की अगर कंपेरिजन में देखें तो लिक्विड में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी. एज अ रिजल्ट इसका क्या रिजल्ट निकलेगा? डिफ्यूजन इन लिक्विड इज फास्टर देन सॉलिड. कि जो डिफ्यूजन की जो प्रोसेस होगी ठीक है लिक्विड के अंदर वो सॉलिड से काफ़ी ज़्यादा होगी ठीक है. द डिफ्यूजन इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द थिकनेस. देखो डिफ्यूजन जो है लिक्विड का डिपेंड करता है कि थिकनेस के ऊपर ठीक है जिसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं ऑफ द लिक्विड. लिक्विड की विस्कोसिटी भी जिसको हम कहते हैं ठीक है. एंड लास्ट लिक्विड फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल ठीक है. देखो लिक्विड जो है ठीक है इन लिक्विड द पार्टिकल्स आर स्लाइटली लूजली पैक्ड. लिक्विड के पार्टिकल्स काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं काफ़ी दूर दूर जुड़े होते हैं ठीक है. एज अ रिजल्ट इसका कारण क्या होता है द पार्टिकल्स कैन मूव स्लिप एंड स्लाइड पार्ट ईच अदर ठीक है. इसका कारण अगर हम देखें ये एक दूसरे के ऊपर स्लिप हो सकते हैं मूवमेंट कर सकते हैं ठीक है इधर उधर जा सकते हैं. तो अगर हम बात करें लिक्विड के ये सब हमने क्या पढ़े आज कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है लिक्विड के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.